Welcome to Mumkin. I am Zunaira Azhar. 8th March all over the world celebrate kiya jata hai for female empowerment, women empowerment, equality ki bhi kai log baat karte hain. Aur jo ek din mukhtas kar diya jata hai pure saal mein kisi bhi cheez ke liye, uski ek background hoti hai. Wo background, wo history vary karti hai country to country aur history to history, region to region. Uski koi contextual realities hoti hain jinko zaroor samajhna chahiye jab aap wo din celebrate karne ke bare mein sochein. औरत मार्च एक टॉपिक इसलिए बन गया क्योंकि हमारा सोशल एक्टिव जो एक एनिमल है अंदर वो बहुत ज़्यादा इस बारे में बात कर रहा है. इट इज़ नॉट अबाउट औरत मार्च टुडे, लेकिन हमने देखा ये है कि हमारे मुल्क में मजमूई तौर पे जो बिहेवियर्स हैं, जो रवैये हैं, वो एक्सट्रीम्स की तरफ जा रहे हैं. राइट पे भी एक्सट्रीम है, लेफ्ट पे भी एक्सट्रीम है, और मिडिल वे में, उसको मैं ग्रे एरिया नहीं कहूँगी, मिडिल वे में जो एक ग्राउंड होनी चाहिए जिस पे को एग्जिस्टेंस के साथ आप बैठ के दोनों आर्ग्यूमेंट्स को सुन सकें और बर्दाश्त कर सकें, उसकी बहुत कमी है. शायद वेस्ट में जिस चीज़ को वाइट सुप्रीमेसी कह रहे हैं वो भी एक एक्सट्रीमिज़म है, ये जो लैक ऑफ टॉलरेंस है ये भी एक एक्सट्रीमिज़म है. तो रवैयों पे आज कुछ बात करेंगे कि ऐसा क्यों है, चाहे औरत मार्च हो या मर्द मार्च हो, हम सुन क्यों नहीं सकते दूसरे की बात. मेरे साथ आज जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, आपका तारुफ कराती चलूँ इनसे. सबसे पहले खलील-उर-रहमान कमर साहब, मेरे ख्याल है उनका नाम ही काफ़ी है, बहुत मकबूल राइटर हैं, लिखारी हैं, और ही इज़ कन्विंस्ड अबाउट व्हाट ही राइट्स, ये उनका सही तारुफ है. उसके अलावा समिया, राहील, काजी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं. एवरीबडी नोज़ हर वेरी वेल. पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक है, और उमर जावेद हमारे रिसर्च स्कॉलर हैं, हमारे पैनल का अक्सर हिस्सा होते हैं. अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू टू द शो. खलील-उर-रहमान कमर साहब, आई विल स्टार्ट विद यू. हर चीज़ को कॉन्ट्रोवर्सी बना लेना, हर चीज़ को कंटेस्ट करना विदाउट अंडरस्टैंडिंग, और हर चीज़ का रिएक्शन देना एक्शन को अंडरस्टैंड करने से पहले, इस रवैये को आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो सब सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा बहुत सलाम. ये जो अगर ये तोहमत आप खुदा न खास्ता मुझ पर लगा रही हैं कि मेरा ऐसा कोई रवैया है, नहीं, तो मेरे ख्याल में मैं खालिस्तन एक लिबरल आदमी हूँ दोनों साइड्स पर. मैं जब पहली दफ़ा जिस बात पे कंट्रोवर्सी शुरू हुई वो था मेरा सीरियल मेरे पास तुम हो. उसमें एक लड़की को एक एक्ट पर गाली दी गई, जैसे हम किसी को कोई बुरा एक्ट करने पर गाली दे देते हैं. लड़की जब जुर्म करती है तो अदालत में उसको मुलजिमा, और जब उसका जुर्म साबित हो जाता है तो उसको मुजरिमा कहा जाता है. इसी तरह एक जुर्म करने पर एक लड़की को गाली दी गई तो शोशा खड़ा हो गया. वो 35-36 बिलों में घुसी हुई फेमिनिस्ट, फंडेड फेमिनिस्ट बाहर निकल आई. तो मैं अचानक शिष्टर रह गया कि ये क्या माजरा है. आपने वो 12 एपिसोड नहीं देखे जिसके लिए मैंने ये ड्रामा लिखा, मर्द की तरबियत करने के लिए कि भाई औरत अगर गुनाह कर रही है तो गैरत के नाम पर उसका मर्डर ना करो, उसको थप्पड़ ना मारो. वो आपने 12 एपिसोड भुला दिए यकलख्त. उसका सदमा हुआ मुझे. उस सदमे ने मुझे सोचने पर मजबूर किया कि कुछ हो रहा है मेरे बदनसीब मुल्क में, जो ऑलरेडी इतने इकोनॉमिक इश्यूज, इतने सोशल इश्यूज, इतने रिलीजियस इश्यूज में जकड़ा हुआ है, जहां से चारों तरफ बाहर से शोरशें हो रही हैं, और लोगों का ये हाल है कि कईयों के पास खाने को रोटी नहीं है. वहाँ पे ये क्या, ये तो राज खाने की मस्तियों के तमाशे हैं जो यहाँ शुरू हो गए हैं. मुझे बताइए, मैं तो चीख चीख कर बोलता रहा, कसम तक खाई कि मुझसे बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं है. मैं सबसे बड़ा दाई हूँ औरत के राइट्स का. आप उसकी तालीम की बात कीजिए, आप उसकी शादी पर उसकी मर्जी की बात कीजिए, आप उसके सोशल स्टेटस का और रोज़गार की बात कीजिए, आप उसके फ्रीली मूवमेंट्स की बात कीजिए. I'm in the first row standing for them at all. मुझे एतराज़ था, हमारे यहाँ रिवायतें हैं, हमने एक सदियों से एक सोशल सेटअप को पाला है. हम वो बदनसीब कौम हैं जो अपने सेटअप पर कभी प्राइड नहीं लेते, हम बारो करने की कोशिश करते हैं. भाई हमारे यहाँ औरत को के जिस्म को बड़ा मुकद्दस समझा जाता है. जी हाँ, बिल्कुल. उसका हम नाम भी नहीं लेते. तो आप
बाहर सड़कों पे खड़ी होके प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मुझे सिर्फ इस पर एतराज था। मुझे एतराज था कि आई एम डिवोर्स्ड, आई एम हैप्पी। वो खुदा के वास्ते, अल्लाह ताला ने कहा, मैं अला मजहब की बात नहीं करता, अभी तो मैंने बात शुरू नहीं की मजहब की, कि मेरे हलाल चीजों में सबसे नापसंदीदा फेल है मेरा डिवोर्स, बिल्कुल। और आप उस पर खुशी का इजहार कर रही हैं। हमारे यहाँ जान निकल जाती है ये नाम सुन के कि डिवोर्स होने वाली है, और इवन हमारी कोर्ट्स बड़ी देर उसको लटकाए रखती है कि कहीं बीच का कोई दरमियानी रास्ता निकल आए, रुजू हो जाए। अपना मौजा, तुम्हारा मौजा मैं क्यों ढूंढूं? भाई हम कोई बीवी इसलिए लाते कि मौजे ढूंढेगी? और नहीं भाई, हम तो चाहते हैं कि अल्लाह हमारी औकात इतनी बड़ी कर दे कि हम उनको मलिकाओं की तरह घर पे रखें। राइट। हम इसलिए लाते हैं कि वो कपड़े धोएं हमारे? नो, हमारे पास वसाइल हो हम नौकर रखते हैं उनको, और जब हमारे पास वसाइल होते हैं हम रख देते हैं। बिल्कुल सही है। हमारे अपना खाना खुद गर्म करो यार, मैं अपना खाना खुद गर्म कर लूँ, मेरी बीवी मेरे मुझे वहाँ मार दे, कि तुम्हारी ये जुरत? ये मोहब्बतें हैं। जिसने शादी को कॉन्ट्रैक्ट समझ के निभाया, उनके हाँ ये बुरी और घटिया सोच डेवलप हुई। शादी रिश्ता था, एक खूबसूरत मुकद्दस रिश्ता जिसको हमें साथ लेकर चलना था, जहाँ हमने सोच लेना था जैसे बाकी रिश्ते अनब्रेकेबल हैं, ये भी अनब्रेकेबल है, और उसको निभाने के लिए कभी कोई थोड़ी कुर्बानी दे देता है, कभी कोई थोड़ी कुर्बानी। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। समिया राहील काजी साहिबा की तरफ चलेंगे। समिया साहिबा, आप गुफ्तगू सुन रही हैं खलील साहब की। ये जो बोरोड आइडियाज़ की उन्होंने बात की है कि हम लोगों के पास जो मौजूद होता है, हम ये मानने वाले हैं हमारे पास इस्लाम की शक्ल में मुकम्मल किताब मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में हमारे पास मुकम्मल एक पूरी ज़िंदगी गुजारने का तरीका मौजूद है, हमारा वैल्यू सिस्टम है सोसाइटी में, जिसको हम वैल्यू करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, हम हमेशा बाहर की तरफ देखते हैं, वहाँ से आइडियाज़ बोरो करते हैं, उनको सेलिब्रेट करने की कोशिश करते हैं, और उसमें हम लॉजिकल डिस्कशन नहीं करते हैं, सुन नहीं सकते एक दूसरे को बैठ के। इसकी क्या वजह है, इस अदम तवाजुन की और इस एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर की सोसाइटी में आपको क्या वजह नजर आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैरा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपने मुझे इस अहम मौजू पर बात करने का मौका दिया। मैंने अपने थीसिस में, मैं जब अपनी डॉक्टरेट की डिग्री कर रही थी, तो मैंने अपने थीसिस में एक जुमला लिखा था जो सबको बड़ा पसंद आया कि हम लोग बदकिस्मती से लंडा बाजार की आदि कौम हैं, जो चीज़ मगरिब फेंक देती है हम उसको पहनने की कोशिश करते हैं। वो लोग अब वापस अपने फैमिली सिस्टम की तरफ आ रहे हैं, वापस वो इस उसमें कि किस तरह अपने फैमिली फैब्रिक को मजबूत करें, लेकिन हम लोग उनके उस जो उन्होंने उतार फेंका है, जो आइडिया जिसका वो लोग अब शाखसाना बरत रहे हैं। और मैं एक किताब पढ़ रही थी पैट्रिक जे बुकेनन की, द डेथ ऑफ वेस्ट, उसमें उन्होंने इसी सारी चीज का जिक्र किया है जिसका भी खलील-उर-रहमान कमर साहब बात कर रहे थे। और मैंने वाकई हमारे यहाँ असल इश्यूज कहीं गुम हो जाते हैं इसी यानी बहस और तकरार में, और बल्कि मैं समझती हूँ कि कल जो एपिसोड हुआ है वो औरत के लिए भी नहीं अच्छा, हमारी फैमिली के लिए भी नहीं अच्छा, और खलील भाई के लिए भी नहीं अच्छा, और मारवी के लिए भी नहीं अच्छा, और हम सब पूरे माशरे के लिए भी, कि हम लोग डायलॉग को वो करें, हम लोग एक दूसरे को प्रोवोक ना करें। और हम ये जो आप प्रोवोकेशन की बात कर रही हैं ना समिया आपा, ये बेसिक चीज है, आप सुनते ही आधी बात सुनते ही जब रिएक्ट करते हैं, या फिर आप प्री कंसीव्ड नोशंस या एजेंडास के साथ आके बैठते हैं, ये भी गलत है। तो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी खत्म हो गई है क्या? जी, मैंने आज हमारे ग्रुप में मौजूद थे सब, जरा मीडिया के हमारे एक दो ग्रुप थे, मैंने कहा कि दोनों को यानी मैं दोनों के साथ इस बहस के ऊपर कभी बैठना चाहूंगी कि हम एक दूसरे की बात सुने एहतराम के साथ, हम इख्तलाफ को मुखालिफत ना बनाएं, हम जरूर एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करें, इख्तलाफ मुआशरों का हुसन होता है, लेकिन उसको इतनी यानी गैर यानी महजब मुआशरों में ये नहीं होता एक दूसरे के साथ लोग रवादारी। मैंने बड़ा गौर से सुना,
खलील भाई ने बात जब शुरू की तो बहुत एहतराम के साथ शुरू की और ये कहा कि आप लोगों ने बात कर ली अपनी तो मुझे भी अब अपनी सुन लीजिएगा बिल्कुल। और मुझे मुझे मैंने मारवी को भी कहा कि आपने भी बेहतर नहीं किया कि आप ना एक प्रोवोक कर रही थी, लेकिन फिर इन्होंने भी अच्छा नहीं किया कि ना एक औरत को जो भी है वो इस तरह से नहीं मुखातिब करना चाहिए था। मेरे भाई हैं, मैं एक बहन होने के नाते उन्हें कहती हूँ कि भाइयों का मकाम बहुत बड़ा होता है, हमारे माशरों में मर्दों का वैसे भी एक बड़ा मकाम है और हम वो औरतें जो अपने मर्दों को अपनी निगरानी के तौर पर हमने कबूल किया हुआ, इसलिए कि कुरान कहते हैं कि अर्रिजाल कवामून अला निसा, वो निगरान है, वो मुहाफिज हैं, उनका अपर हैंड है, वो इसलिए कि वो औरत जो कि बड़ी बयक वक्त नाजुक है, जो एक बात से टूट फूट जाती है लेकिन बयक वक्त वो इतनी मजबूत है कि अल्लाह ताला ने आपका मसला ये है ना कि अब एक खातून मेरी बात एक मुकम्मल होने दें जी, बयक वक्त वो इतनी मजबूत है कि अल्लाह ने इस पूरी कायनात में अपनी सिफत तख्लीक सिर्फ औरत को अता की है, तो हमें इस औरत को बहुत ज्यादा यानी इज्जत देनी है, मोहब्बत देनी है और हिफाजत करनी है, उसके साथ बदतेजी भी नहीं करनी। तो मैं थोड़ा सा ये कहूंगी कि हमें औरत के असल मसाइल की तरफ आना चाहिए और ये जो नोशंस हैं, ये जो एक दो नोशंस के ऊपर मीडिया पूरा कवर कर रहा है उसे उससे हटकर आपको ये प्रोग्राम करने चाहिए कि हमारी औरत का असल मसला क्या है। मैंने एक रिसर्च की, जब मैं कौमी असम्बली की मेम्बर थी तो हमें पता चला कि पाकिस्तानी औरत का सबसे बड़ा मसला पीने का साफ पानी है। मैं उसी तरफ आना चाह रही हूँ, मेरे साथ और पार्टिसिपेंट्स भी हैं समिया पा। उमर, जैसे इन्होंने बात की, एक औरत सारी औरतों को रिप्रेजेंट नहीं करती और एक मर्द सारे मर्दों को रिप्रेजेंट नहीं करता। प्रॉब्लम ये है कि एक तो हम बहुत सुपरफिशियल लेवल के ऊपर लड़ाइयों में पड़ जाते हैं जिससे असल मसले हो जाते हैं साइड पे। मुझे अब आप ये बताइए कि हमारा जो खित्ता है साउथ एशिया का, उसमें बेनज़ीर भुट्टो हैं, हसीना वाजिद हैं, श्रीलंका में कमारा टुंगा बांद्रे हैं, खालदा ज़िया हैं, इंदिरा गांधी हैं, इतनी लेडीज़ की हमें फ़ीमेल्स की लीडरशिप मैसर आई है, बट यहाँ पे फीमेल एम्पावरमेंट का ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट कहाँ है? क्या उन लोगों ने, खुद फीमेल्स ने, फीमेल्स को अपलिफ्ट करने के लिए, इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करने के लिए, जो असल उनकी एम्पावरमेंट है, कोई काम किए हैं? लेजिस्लेशन हुई हैं तो सिर्फ किताबों में हुई हैं। जो सीट्स पे आते हैं, कोटे पे लोग आते हैं, वो भी फ्यूडल्स की औरतें होती हैं, असल औरत कहाँ है? देखिए जरा, बुनियादी मसला यही है। अब आपने जो ये हुक्मरान बताए, खवातीन हुक्मरान, इंदिरा, बेनज़ीर, खालदा ज़िया, हसीना वाजिद, अब ये ऐसे खित्ते पर हैं जहाँ 1.5 अरब के लगभग इंसान बसता है, उसके बावजूद आप इस खत्ते में औरत की हालत देख लें। हमारे समाज में इशू है क्या? देखिए, इशू ये है कि आप ये बिल्कुल तहकीक करवा सकती हैं कि ऐसी एनजीओज जिन्होंने फेमिनिज्म का परचम उठाया हुआ है, जो ख्वातीन के हकूक़ की बात करती हैं, ये उनका ताल्लुक उस अलीट क्लास से, उनकी अक्सरियत का, मैं तमाम नहीं कह रहा, उनकी अक्सरियत का, कि जिनके ये मसले हैं ही नहीं औरत। मैंने तो यहाँ देखा है कि अलीट की जो खवातीन है ना, उनको उनको लिबास पहनने की आज़ादी है, अपने तर्ज जिस तरह वो जिंदगी गुजारना चाहती हैं उस तरह वो गुजार पाती हैं, जो वो माश अपनाना चाहती हैं जरिया वो अपना सकती हैं। असल इशू हम भूल जाते हैं कि यहाँ पर अगर ख्वातीन के हकूक के कोई अलमबरदार हैं तो यहाँ पर जागीरदारी निज़ाम और कबायली स्ट्रक्चर को हिट करने की ज़रूरत है, उस निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है। यहाँ क्यों नहीं बात की जाती जो भट्टा मजदूर ख्वातीन हैं, उनके हकूक पर बात क्यों नहीं की जाती? जो जागीरदारों की अंदरून सिंध और साउथ पंजाब में जागीरदारों की कैद में ख्वातीन हैं, जो जबरी कैद कुरान से शादियां होती हैं, अब वर्नी कबायली स्ट्रक्चर का एक अलामत है ना, वर्नी आपने कहा तो ये कबायली निज़ाम का एक स्ट्रक्चर है ना। लेकिन हम कबायली निज़ाम को नहीं हम क्रिटिसाइज करें, हम उन एक्ट्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं देखेंगे फिर जिनमें सप्रेशन है, कबायली निज़ाम के जो मनफी पहलू हैं, जो अक्सर मनफी पहलू है जितनी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ये मसला वहां से जाकर लिंक है ना। ऐसी कितनी एनजीओज हैं जिन्होंने गई हो जी भट्टा मजदूर खवातीन पर काम करने के लिए, या जागीरदारों की कैद में जो औरतें हैं जो खेतों पर जबरी काम कर रही हैं, ये इशू सारा बिकॉज हमने शायद इन डेप्थ स्टडी आज तक लोगों के सामने नहीं रखी कि क्या डेटा कलेक्शन भी हुई है उन औरतों के बारे में, क्या वो सही तौर पर रिपोर्ट होते हैं नहीं होते, क्या कोई एमपी कोई एमएनए लास्ट रिजॉर्ट तक उनको इन्वेस्टिगेट करता है? खलील उर रहमान कमर साहब, आपकी तरफ आऊंगी, रियलाइजिंग द फैक्ट कि आप अकेले अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं मीडिया पे,
समिया साहिबा की बात कि अगर आपके साथ कल जो तकरार हुई, जो कुछ हुआ, जितनी गलत बात कह लें या आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वैसे उस बात को मानते नहीं हैं, उसको गलत समझते हैं, वो आ भी गई थी तो आप राइटर हैं, आप लिखारी हैं, आप इंटेलेक्चुअल हैं, आप उसे फॉरगो कर देते, हो जाए औरत मार्च, क्या कर लेगा? अच्छा, पहले तो समिया आपा से बहुत सलाम आपको, और थोड़ा थोड़ी माजरत के साथ कि मैं 24 आवर्स राइटर नहीं होता। ओके। राइटर होता हूँ जब मुझ पर आमद हो रही होती है। तो कोई औरत जब मुझे शट अप कहेगी तो मुझ पर आमद नहीं होती। फिर शादबाग का एक खलील रहमान कमर भी मौजूद है मेरे अंदर, वो जवाब देगा। ओके। और जब आप बराबरी की बात करती हैं तो शट अप कहकर फिर शट अप सुनने के लिए तैयार हो जाइए। दैट्स सिंपल, इक्वालिटी। दूसरी बात, थैंक यू, आज तो मैं खुश हो गया कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे पैनलिस्ट नसीब फरमाए हैं जो खुदा की कसम एक्चुअलिटी पर बात कर रहे हैं। ये जो स्टैटिस्टिक्स उठाई फिरती हैं ना, ये अपने मतलब की हैं। टू शो के 18 औरतें इनके ऊपर तेजाब गिर गया, ये फलां हैं इनके साथ ये ज्यादती हो गई, फलां हैं ये ज्यादती हो गई। क्या हम भी निकलें मर्दों के स्टैटिस्टिक्स कहाँ हैं वो भी दिखाइए। अगर एक मर्द एक औरत को 12 साल हुए छोड़ गया है तो 10 औरतें भी हैं जो मर्दों को 14 साल से छोड़कर चली गई हुई हैं। अगर हम इस कंपैरिजन में चले जाएंगे तो हम एक दूसरे के मसाइल हल नहीं कर पाएंगे। no, और याद रखिएगा, औरत मर्द का मामला अकेले अकेले हम हल नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू मेक अ ज्वाइंट एफर्ट इन कोलैबोरेशन। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अर्बन एरियाज में आप मॉल्स पर जाइए, जो मार्च निकालने वाली है जिन्होंने औरत का अलम उठाया हुआ है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है, जाइए जाके वहां से स्टैटिस्टिक्स लीजिए कि यहाँ पर जो वीमेन वेयर की जो आउटलेट्स हैं वो कितनी है और मेंस वेयर की कितनी है, और कितनी स्पेंडिंग हो रही है वीमेन वेयर पर और कितनी स्पेंडिंग हो रही है मेन वेयर पर। खुदा की कसम अगर 75-25 से कम रेशो हुई तो मुझे थूक दीजिएगा मेरे मुंह पर। ये एक ढकोसला है जिसका नाम लेकर एक एक्सट्रीम साइड अपनाई गई है टू डिस्ट्रॉय द इमेज ऑफ दिस कंट्री। आप इस मुल्क के खिलाफ कोई टेलीफिल्म बनाइए, इसकी डिस्टॉर्टेड शक्ल दिखाइए, आप ऑस्कर ले लीजिए। दैट्स ट्रू, ठीक है, ऑस्कर वट में पड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वो खातीन है बदनसीबी हमारी जो इस मिट्टी से जनी गई, और पता नहीं ये भी डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि ये इस मिट्टी से जनी भी गई है कि नहीं, जिन्होंने अभी मेरे पास एक मैसेज है इस खातून का, किसी ने मुझे खुदा की कसम अभी भेजा है, इनका एक ट्वीट है बड़ा पुराना, मेरे पास ट्वीट तो बड़े आए हुए हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है, पाकिस्तान का मतलब क्या? ये इस औरत को कोई चार लोग, मैं अब बाकी नहीं खोलता, बहुत बहुत ही दिस इज एब्सर्ड। आप सोचिए, ये औरत की हिमायत के लिए निकली है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, बड़ा समझने की बात है, मेरे मुल्क कि लड़कियां हया और वफा से ताबीर की जाती हैं, मुझे एक बात तो बताइए, ये औरत तरबियत करेगी, ये उनके राइट्स की बात करेगी? मैं आज तक ये बात समझानी होगी खुदा के वास्ते, मर्द की कारकर्दगी पर 200% फर्क पड़ता है जब वो अपनी बीवी के या अपनी माशूका के हवाले से इनसिक्योर होता है, याद रखिएगा। तो ये इनसिक्योरिटी दे रही हैं आप मर्द को। एक मिनट सुन लीजिए, इसी तरह वॉइस ऑफ वर्सा, अगर इसी तरह के मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरा मेरी मर्जी दोनों तरफ आ जाएगा, हमने बॉन्डिंग में कैसे रहना है? और मैं आपको एक बात बांगे दोहल कहने दीजिए, क्या ये काम करने के बाद आपने डीएनए टेस्ट के लिए लेबोरेटरी खोलनी है जगह जगह कि जब बच्चा हो तो मुबारकबाद लेने से पहले हम जाके उसका टेस्ट करवाए कि ये बिलोंग्स टू मी? आज हमारी औरत बच्चा जान के कहती है तुम्हारा है, और सदके जाऊं मर्द के वो कहता है मेरा है। ये हमारा रिश्ता, ये औरत ने बताया हमें कि मैं इतनी वफादार हूँ, मुझ पर ट्रस्ट करना, और हम ट्रस्ट कर रहे हैं। ओके। खलील साहब ने जो बात की है उस पर मैं समिया साहब का रिएक्शन भी लूँगी, लेकिन जो कोलैबोरेटिव एफर्ट
की बात कर रहे हैं ये कि हमारा माशरा इस कोलैबोरेशन से चल रहा है, हम इसको शायद रियलाइज़ नहीं करते और वेस्ट की तरफ देखते हैं कि भाई उनकी औरत भी काम करती है तो हम भी घर से निकलें। अगर तो आपने मुकाबले में घरों से निकलना है तो फिर तो गेम और है, इसको ओन वैसे ही करना चाहिए। लेकिन ज़रूरत के तहत मैं तो देखती हूँ एवोल्यूशन के तहत बहुत फ़र्क पड़ रहा है पाकिस्तानी माशरे में। बाप इतना ट्रस्ट कर रहे हैं बच्चियों पर कि वो मज़ीद पढ़ने के लिए घर से निकल रही हैं, हमें सेल्स गर्ल्स नज़र आती हैं जो आज से 5 साल पहले 10 साल पहले नहीं नजर आती थी। इतने ट्रस्ट वर्दी माशरे में ये डेफिसिट क्रिएट क्यों किया जा रहा है? एजेंडाज हर चीज के पीछे होते हैं तो इसके पीछे भी ढूंढने पड़ेंगे कि हम डिवाइड करके तो रूल करने की कोशिश नहीं कर रहे। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। हमें अपना शो काफ़ी वन साइडेड इसलिए लग रहा है कि औरत मार्च के जितने भी लोगों से, ऑर्गेनाइजर्स से भी और पार्टिसिपेंट से भी जिनसे हमने रब्ता किया है, वो आज सारे बॉयकॉट में, एंड दे से कि बॉयकॉट उन्होंने खलील साहब का किया हुआ है। बहरहाल मेरे ख्याल है लॉजिक से आके फेस करना चाहिए, इसलिए मैं मजबूर हूँ, या मैं समिया साहिबा से बात कर सकती हूँ या मैं उमर से बात कर सकती हूँ। उमर, 1920s में राइट टू वोट मिला UK में, यूरोप में, अमेरिका में तीन को, उन्होंने बकायदा रियलाइज करके कि द रियल पावर लाइज विद योर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, उन्होंने एक तहरीक चलाई, औरतों को आहिस्ता आहिस्ता एक लेवल पे लेके आए। फिर अब हम देखते हैं वहाँ पे कोटा सिस्टम के तहत आके नहीं बैठी होती हैं असेंबलीज में उनकी औरतें, वो डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए से आती हैं। तो पहले आपको एक लेवल फील्ड वहाँ पर बनानी पड़ती है हर जगह पर जहाँ आपके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी हो खुद अपने लिए। ये जो ख़वातीन हैं जो कि समझती हैं कि वो राइट्स के लिए लड़ रही हैं, हो सकता है वो अपनी जगह दुरुस्त हों, लेकिन क्या इनको नहीं मालूम कि सबसे पहला मसला तो भूख है कई औरतों का, कई ख़ानदानों का, बल्कि मेजर इशू तो सब पॉवर्टी है। उसमें ये मोज़े का मसला या उसमें लिबास का मसला तो बहुत बाद में आता है। आपने खुद मिसाल दे दी, ये यूरोप में भी और अमेरिका में भी 20th सेंचुरी के आगाज में जब वोटिंग राइट मिला, आप उससे पहले देख लीजिए, यानी जिसको मिडिवल पीरियड कहते हैं, क्रून वस्ता कहते हैं, तब उस टाइम वहाँ की औरत की क्या सूरत हाल थी, यानी जो तब वहाँ यूरोप में क्रून वस्ता के अहद में औरत की सूरत हाल थी, वो आज मशरक के किसी मुल्क में हम नहीं कह सकते इतनी बुरी सूरत हाल थी। लेकिन हुआ क्या कि वही के माशी ताकत उसके पास आई, इकोनॉमिक पावर उसके पास आई, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये इकोनॉमिक पावर उसके पोलिटिकल राइट्स में ट्रांसलेट हुई, उसके सोशल राइट्स में ट्रांसलेट हुई। लेकिन देखिए, एक बात हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि जो वेस्टर्न मॉडल है उसके अंदर जो है वो कई नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी आ गए ना कैपिटलिज्म के, जिस तरह औरत एक प्रोडक्ट बनकर रह गई। अब वेस्ट में औरत एक प्रोडक्ट, हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ वो असरात आ रहे हैं ना, हमारे यहाँ वो असरात आ रहे हैं। जिस तरह अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमें ये मगरिब से मुस्तार, मगरिब से सीखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही। देखिए, मैं जिस धरती का बासी हूँ, इधर जो है 300-400 साल पहले वो हीर का मुजाहमती किरदार क्या था, मेरे लिए मुजाहमती किरदार काफी है जो उस वक्त चैलेंज करा था उस निजाम को, उस स्ट्रक्चर को, उस ओल्ड फ्यूडल स्ट्रक्चर को चैलेंज करा था वो हीर का करेक्टर। समिया आप हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। समिया साहिबा, ये बताइए कि हम जब बात करते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की, वो बड़ी बेसिक चीज़ है, किसी के ऊपर कोई भी वक्त आ सकता है कि वो ख़ुद अपने लिए कमाने के लिए घर से निकल सके, एम्पावरमेंट चाहिए हो। लेकिन अगर हम अपने इस्लामिक कंट्रीज़ की तरफ ही देखें तो एक ऐसा दीन जिसमें बिजनेस वेमेन दिखाई गई हैं, जिसमें बड़े प्रैक्टिकल साइड ऑफ द वेमेन दिखाई गई है, वहाँ पे अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस की बातें चल रही हैं, वहाँ पे अभी तक प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिसमें औरत बड़ी खुल के हमें काम करती नज़र नहीं आती। तो आपके ख्याल में ये वहाँ के सोशल इशूज़ हैं या वहाँ के पोलिटिकल इशूज़ ने कंट्रोल करने की कोशिश की हुई है? जी देखिए, बदकिस्मती से पूरी दुनिया में कोई एक भी ऐसा मॉडल इस्लामी मुआशरा नहीं है कि हम वो दिखा सकें कि जी ये इस्लामी मुआशरा है। इस्लामी मुआशरा तो वो था जहाँ एक औरत ऐसी बिजनेस वुमेन थी कि जो जिनको अल्लाह ताला ने उस पहली इंसान का लकब दिया जो ईमान लाया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिसने मुसलमान औरतों को नहीं सिर्फ बल्कि दुनिया की तमाम औरतों को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की एक ऐसी यानी रोशन मिसाल उन्होंने कायम की कि उस वक्त उनके काफिले शाम और यमन की तरफ जाया करते थे और वो मक्का की सबसे कामयाब ताजर खातून थी और उन्होंने राय की आज़ादी औरत को बख्शी, उन्होंने अपने लिए खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंतखब किया, खुद उन्होंने पसंद किया, निकाह का पैगाम भिजवाया
وہ اس معاشرے میں جہاں پر عورت ترکے کی طرح بانٹی جاتی تھی, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ کوئی یہاں کوئی اسلامی روایات ہیں. اسلامی روایت تو ہمیں عورت کو بڑا خود مختار بنانے, بڑا اکنامک امپاورمنٹ کی طرف لے کر جانے والا دین ہے, لیکن ہم اپنے سوشل ایشوز کو دین کے ساتھ مکس کر کے تو اسلام کا چہرہ دھندلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں خود اپنی ذاتی مثال دیتی ہوں, میں میرے والد پٹھانوں میں اور علماء میں شاید وہ پہلے مرد تھے جنہوں نے اپنے بچوں میں کوئی فرق نہیں رکھا بلکہ اپنے بیٹوں پر ایک بیٹی کو ترجیح دی, اس لیے کہ میں بڑی تھی اور میں مجھے انہوں نے کبھی بھی مجھے یہ احساس نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو میرے مقابلے میں فضیلت بخشی ہے یا مجھے کم سپورٹ کیے اور اسے زیادہ سپورٹ کیے. ہمارے فادرز ایسے ہی ہیں زیادہ تر سوسائٹی میں. ہمارے ہاں جو بھی دین کو زیادہ سمجھنے والا باپ ہے, بھائی ہے, شوہر ہے, بیٹا ہے, وہاں پر عورت کی اتنی زیادہ تقدیس ہے, عورت کی اتنی زیادہ تکریم ہے اور عورت کو وہ سارے حقوق بن مانگے مل رہے ہیں جس کے لیے آج کی عورت در بدر پھر رہی ہے, حقوق اسے پھر بھی نہیں ملتے. اور میں ایک اور ہم نے اس دفعہ نعرہ دیا ہے کہ ہم نہ میل شاوینزم پر بلیو کرتے ہیں نہ فیمینزم پر بلیو کرتے ہیں. ہم فیملیزم پر بلیو کرنے والی عورتیں جو خاندان میں خاندان کے ادارے کو معاشرے کے لیے ایک حفاظتی قلعہ تصور کرتی ہے, اس حفاظتی قلعہ کا دربان مرد ہے اور اس حفاظتی قلعے کی ملکہ عورت ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر اس گھر کے قلعے کو مضبوط بناتے ہیں. گھر کے اندر سے جب وہ مضبوطی مرد کو مہیا ہو تو وہ بڑے آرام سے باہر نکلتا ہے, اور جب عورت اسے یہ حفاظت کا وہ دے دیتی ہے تو وہ عورت کے اندر جو ممتا ہے وہ پوری کائنات میں اپنی وہ ممتا کو جب مدر ہڈ کو وہ استعمال کرتی ہے تو پوری آج دنیا کیوں ڈسٹرب اور فساد سے بھری ہوئی ہے, اس لیے کہ اس کی بنیادی یونٹ گھر میں فساد برپا ہے. وہ فساد ہمیں روکنا ہوگا, ہمیں اس گھر کو دوبارہ مضبوط قلعہ بنانا ہوگا تاکہ ہمارا تو خلیل صاحب میں آئی ڈونٹ نو آئی مے بی رانگ کہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمارا فیملی اسٹرکچر ابھی بھی بہت مضبوط ہے, وہی ویلیو سسٹم چل رہا ہے, صرف کیونکہ ہم اس کا شور نہیں مچاتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ڈسٹرب ہو گیا یا ڈسٹرپٹ ہو گیا. کیا کوئی کچھ اور لوگ زیادہ ووکل ہو رہے ہیں اس بارے میں, پرابلم کہاں ہے؟ ہمارا فیملی اسٹرکچر آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. قومیں نہ چٹکیوں میں بنتی ہیں نہ چٹکیوں میں برباد ہوتی, ان کا ایک پروسیس چلتا ہے اور اسی لیے تو فوراً ہم پکڑ نہیں پاتے. بڑے دوربین دور اندیش لوگ چاہیے ہوتی ہے, نو جڑے دور اندیش لوگ ہیں وہ پکڑتے ہیں کہ یہ کچھ ہونے والا ہے, اس کو یہاں روکنا ہوگا. آپ کا فیملی اسٹرکچر تیزی سے ٹوٹ رہا ہے. کیسے؟ آپ کے ہاں ڈرامہ چل رہا ہے, آپ پچھلے 10 سالوں سے 12 سالوں سے غور فرمائیے. آپ کے ہاں ڈرامہ چل رہا ہے جس میں ساس کو گالی دی جا رہی ہے, بہو کو گالی دی جا رہی ہے, نند کو گالی دی جا رہی ہے, بھابھی کو گالی دی جا رہی ہے, اور ایک خاص وقت تک اس طرح کے سبجیکٹس ہٹ ہوتے رہے ہیں. عورتیں لکھ رہی ہیں وہ ڈرامہ, بدنصیبی یہ ہے, اور عین اس وقت جب وہ لکھ رہی ہوتی ہیں یا وہ ساس ہوتی ہیں یا وہ بھابھی ہوتی ہیں یا بہو ہوتی ہیں یا نند ہوتی ہیں, لڑکی کو بتایا جا رہا ہے کہ ساس ایک بڑی ہی بری کریچر ہے, آپ گھر سے پلان باندھ کر جاؤ کہ اس کو فائٹ آؤٹ کرنا ہے, انسٹیڈ کہ اس کو سمجھایا جائے کہ وہ ایک اور ماں ہے جس کے ساتھ تم اپنی ماں سے کچھ کم بھی سلوک کرو گی نا, بٹ ماں کو سمجھ لو گی تو وہ تم پر زیادہ فریفتہ ہو جائے گی. آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ نند ایک سہیلی ہے جو آپ کی سب سے اچھی دوست بنے گی. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ لڑکیاں انٹر ہوتی ہیں اینڈ دے وانٹ سیپریٹڈ ہاؤس ان اباؤٹ فیو ایئرز, اینڈ دیٹ از دا میجر ایشو ان دا فیملیز ٹوڈے. نہیں خلیل صاحب, یہ حقیقت میں اتنا ہے نہیں جتنا ڈراموں کے ذریعے اس کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ سب کانٹیننٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں, یہ بریک کے بعد میں آپ سے سمجھ, اس کے لیے کوئی ہم دونوں کے پاس سٹیٹسٹکس نہیں ہے, اربن کلاس کی کچھ, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ میں آیا ہوں پور مڈل کلاس سے. اوکے,
تو میں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا. اسے پروموٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ اٹ از گریجولی. اوکے اچھا, اس کو میں آپ سے مزید ڈسکس کرنا چاہوں گی بریک بعد. وہ یہ کہ کیا ڈرامے جب رائٹر لکھ رہا ہوتا ہے یا لکھ رہی ہوتی ہیں تو از اٹ پیور کتھارسس, از اٹ پیور امیجنیشن, یا از اٹ پیور واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ یو؟ آپ تجربے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے, کیا ہو رہا ہے آپ کے ارد گرد, یا ان سب کا بلینڈ ہوتا ہے؟ کیونکہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے جتنا کیریکٹرس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں آڈینس اپنے آپ کو, وہ ان اے وے پبلک اوپینین بن رہا ہوتا ہے. آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. خلیل صاحب, آپ کے ڈرامے کی ایک لائن سے بہت شور مچا تھا, دو ٹکے کی عورت. اب وہ ڈرامہ تھا, آپ نے ڈائلاگ لکھا, کیا ہم ڈرامے کو ایز اے ڈرامہ نہیں دیکھ سکتے؟ نمبر ون, کیونکہ آپ اس شعبے میں ہیں, آپ بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم اس کیریکٹر میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ لوگوں کو لگا ہوگا عورت کو گالی پڑی ہے, مرد کو پڑ رہی ہو, لگتا ہے مرد کو گالی پڑی ہے. ہم انجوائے کیوں نہیں کرتے؟ انٹرٹینمنٹ کا ایک موڈ ہے ڈرامہ, ہم اسے صرف دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ انجوائے کیا لوگوں نے, میں آپ کو بتاؤں سنہرا, یہ انجوائے کر رہے تھے تو دی پیپل ور واچنگ نا, دے ور میڈ فار دی پلے. لیکن اس میں موقع مل گیا ان 35-36 عورتوں کو اس ڈائلگ کو سلوگن بنانے کے لیے. انہوں نے, میں عرض کروں کہ وہ یہ نہیں دیکھا کہ میں 12 ایپیسوڈ کیا دکھا رہا ہوں. میں دکھا رہا ہوں کہ میں مرد شوڈ گیٹ ایجوکیٹڈ, اور اس کو عورت اگر گناہ کر رہی ہے تو اس کے پاس رائٹ ہے, اس کو چھوڑ دے بھائی, جانے دو, غیرت کے نام پر مرڈر نہ کرو اس کو. اب گناہ کرنے والے کا معاملہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے یا پھر کورٹ کے پاس چلا جاتا ہے, میں اور آپ ججز نہیں ہیں. وہ نہیں دیکھا گیا یہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ غور کیجئے کہ وہ 2% کی عورت نہیں تھا, وہ 2% کی لڑکی تھا. عورت کی جب بات کرتا ہوں تو میں اسپیسیفک بات کرتا ہوں, جب لڑکی کی بات کی تو اس کو سوری جنرلائز کرتا ہوں. اس کیریکٹر کو آپ, جب میں عورت کی بات کرتا ہوں تو جنرلائز کرتا ہوں. وہ لڑکی کی بات کی تو اسپیسیفک ایک کرمنل جو ایکٹ کیا تھا, جو ہمارے ہاں سوشل سیٹ اپ میں دیٹ از اے کرائم, میں نے اس کی بات کی. اور وہ بھی ڈائریکٹ اس نے اس کو گالی نہیں دی, وہ اس کے دوسرے بوائے فرینڈ کو اس نے کہا کہ تم بڑے بڑا گھاٹے کا سودا کیا, was sort of that. لیکن آپ یہ بتائیں کہ ویسے جب تک وہ عورت ساتھ رہ رہی تھی, جب تک اس نے کھل کے وہ نہیں کیا تھا جو اس نے کیا, تب تک وہ جو کیریکٹر تھا دانش کا, وہ اس کے ساتھ بڑا خوش ہے, ہر وقت اظہار محبت بھی کرتا ہے. جیسے ہی اس نے چھوڑ کے جانے کی بات کی تو اس نے اس کو 2% کا کر دیا. نہیں, چھوڑ کر جانے کی نہیں, چھوڑ کر جانا تو رائٹ ہے. اوکے, آپ کہیے میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی, آپ اس کسی کے ساتھ اسلام آباد نہیں جا سکتی. اوکے, اچھا, اوکے, چیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے یو آر رائٹ. عمر, میرا نہیں خیال کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی ڈبیٹس عام ہیں, کیونکہ ایک جسے کہتے ہیں نا کلچر آف ڈسکشن, ٹاک شوز میں بھی پالیٹکس زیادہ ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں, سوشل ایشوز پہ توجہ نہیں ہے. اور اگر سوشل ایشوز پہ توجہ دے رہا ہے ڈراما تو وہ کمرشلزم کی طرف نکلتا جا رہا ہے کہ جو چیز سیل ہو رہی ہے وہی بنائی جا رہی ہے. تو کیا اس سے سوسائٹی کو نقصان ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جو آپ دکھائیں گے وہ ہونا شروع ہو جائے گا, جو آپ سوچیں گے وہ ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل, یہ تو بالکل اس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. آپ صرف اپنے ہی, آپ دنیا بھر باقی خطوں کو چھوڑ کے صرف پاکستان میں دیکھ لیں کہ اب سے جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے تک جب وہ پی ٹی وی سے 70s-80s میں ڈرامے چلا کرتے تھے, ان میں, میں تمام ڈرامے نہیں کہہ رہا, کئی ڈرامے تھے جو پاکستان کے اہم جو بنیادی ایشوز تھے, جاگیرداری نظام کے, کرپشن کے, غبن کے, اقربا پروری کے, نام کے ڈرامے بنے. بالکل, ایگزیکٹلی, نام شیدہ ٹلی نام کے ڈرامے بنے. ایسے ایسے ڈرامے تھے کہ وہ وائرس ڈرامہ جو ہے وہ چائنا میں دکھایا گیا تھا ٹرانسلیٹ کر کے دنیا بھر میں, اس کو ایسے کئی ڈراموں کے ہم نام لے سکتے ہیں جن میں واضح طور پر شور ملتا تھا. دیکھیں, یہ ایکٹیویزم تھا نا, یہ ایکٹیویزم تھا. نہیں, اس کے ساتھ جو آپ بات کر رہی ہیں نا, وہ یہ, وہ بنائی طور پر یہ تھا کہ یار یہ چلنا ہے تو اس کا کمرشل جو اسپیکٹ ہوتا تھا اس کی ایک حد ہوتی تھی. اب تو جو چیز بھی لکھی جا رہی ہے ڈرامہ کے نام پر, خلیل الرحمن قمر کو نہ کوئی ڈکٹیٹ کرتا ہے نہ وہ کسی کے کہنے پر. کمرشل کا پہلو ہوتا ہے, بڑی مشکل سے جب یہ, میں, میرا دل رنجور ہوتا ہے جب میں
یہ کہتا ہوں کہ ساس بہو پر ڈرامہ لکھا جاتا ہے اور وہ عورت لکھتی ہے, میرے ہاں بہت اچھی رائٹرز ہیں, میں کبھی کسی کا ذکر نہیں کرتا. اچھا اچھے اچھے کے لیے بھی بات کر سکتا ہوں, مجھ سے اچھی رائٹرز کا نام پوچھ لیجیے جن کو میں مانتا ہوں. میں کسی کی برائی نہیں کرتا, لیکن خلیل الرحمان قمر کبھی کسی سے ڈسٹرکٹ. اچھا, یو کین ٹاک فار یور سیلف کہ آپ صرف میرے جو مجھے اللہ دیتا ہے, جو وہ چاہتا ہے مجھ سے لکھوانا میں لکھ دیتا ہوں. اوکے, کیا ڈائریکشن آپ سمجھتے ہیں لینی پڑے گی ہمارے میڈیا کو؟ انٹرٹینمنٹ بھی آتی ہے اس میں, میں سب کی بات کر رہی ہوں, جس سے کوئی کنسٹرکٹیو رول پلے ہو, کچھ یہ لوگوں کو گائیڈ کریں کہ بھائی لک ان ٹو یور سیلف. آپ لوگ بڑے رچ اور بڑے اچھے کلچر سے بلانگ کرتے ہیں, اس کو سیلیبریٹ کریں, باہر سے چیزیں بورو کرنا بند کریں اور سرفیس لیول پہ رہنا بند کریں. یہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کہیں کہ میرا اور آپ کے درمیان کوئی موقع مکا ہوا ہوا ہے؟ یہ تو میرا سلوگن ہے, یہ تو میں چاہتا ہوں. ہاؤ کین میڈیا ڈو دس؟ آپ اپنے اوپر پہلے پرائیڈ لینا تو شروع کریں. ہمیں جب ہم جب بڑی ڈسکشن میں جاتے ہیں نا, فلم کی, ٹیلی ویژن کی, تو ہمیں مجھے مثالیں دی جاتی ہیں ہالی ووڈ کی, فلاں کی. وائے بھائی, ان کا جتنا بجٹ ہوتا ہے فلم کا اتنا تو بلوچستان کا بجٹ ہے. اس میں پتہ نہیں وہ کتنے شارٹس لے لیں گے, کوئی نہ کوئی تو جاچی جائیں گے. جی ہاں, دے کین ڈو اینی تھنگ, دے جسٹ تھنک اباؤٹ ڈوئنگ. ہمارے ہاں دماغ زیادہ کام کرتا ہے کہ ہمارے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہوتی ہیں. انسٹیڈ کہ وی ٹیک پرائڈ ان دیٹ کریٹیوٹی آف آرس, ہماری جو امپرووائزیشنز, جو کیپیسٹی ہے ہماری, ہم ہمیشہ کوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں پرابلم یہ چلتا ہے کہ بدقسمتی سے ایک زمانہ تھا جب گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ نہ ملنا شرم کا باعث ہوتا تھا. تو اب اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی, اب گورنمنٹ ہائی اسکول میں داخلہ ملنا شرم کی بات ہے. تو یہ ہم نے کیا کیا, ہم نے پچھلی چار ڈیکیڈز میں قوم کو انگریزی سکھائی ہے, علم سے دور کر دیا. آل رائٹ, سمیا آپا, کیا کریں ایسا کہ سوشل بیہیویئرس بہتر ہو جائیں, کم از کم سننے کی کیپیسٹی پیدا ہو جائے ڈفرینٹ چیزوں کو, اور ہمیں پتا ہو اپنے ویلیو سسٹم میں رہتے ہوئے اس میں سے ہم نے پک اینڈ چوز کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, سب سے جو سب سے پہلی ضرورت ہے نا, وہ یہ کہ ماں کو نا دوبارہ سے اپنی اولاد کی تربیت, اور ہم لوگ ہمیشہ لڑکیوں کی زیادہ اسے وہ پریفر کرتے ہیں کہ سارا دن اس کی تربیت کریں, اور اسے کہتے ہیں تم نے دوسرے گھر جانا ہے تو تم نے ذرا اس طرح کا بیہیویئر کرنا ہے. لیکن سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ ماں کو یہ سمجھانی چاہیے کہ وہ اپنی اولاد میں بیٹوں کی بھی اسی طرح تربیت کرے کہ تم نے عورت کے ساتھ, وہ چاہے جس روپ میں ہو, وہ تمہاری کلیگ ہے, وہ تمہاری بہن ہے, وہ تمہاری ماں ہے, وہ تمہاری بیوی ہے, وہ پھر تمہاری بیٹی ہے, اس کے ساتھ کس طرح سے عزت اور احترام اور اس کا سلوک کرنا ہے. رویے تبھی بہتر ہوں گے جب آپ اپنی اپنی پوزیشن پر رہ کر اور اپنی اپنی حیثیت سمجھیں گے اور پھر اس کے مطابق بیہیویئر کریں گے, تو سب لوگ اپنے ایک دوسرے کا احترام کریں گے. میرے آغا جان کہتے تھے کہ سب ایک دوسرے کو عزت دیں اور محبت دیں اور ایک دوسرے کی حفاظت کریں تو خاندان مضبوط ہوں گے. عمر, لاسٹ ورڈ فرام یو. دیکھیے ذرا, میرے خیال سے جو چیز بھی تخلیق کی جائے, پتا کی جائے, اس میں آج کے دور میں جو ہے, جو ہمیں زوال نظر آ رہا ہے, اس میں بالکل کہ چیزیں جو ہے وہ مارکیٹ اورینٹیڈ ہو چکی ہیں, مارکیٹ سینٹرک ہو چکی ہیں. میرے خیال سے چیزوں کے معیار برقرار رکھنے میں یہ جو سینٹرل اپروچ ہے وہ کمرشل سے زیادہ تخلیق ہونی چاہیے تو زیادہ بہتر ہوگا. اوکے, اور اگر تخلیق خوبصورت ہوگی تو کمرشلائزیشن خود ہی اس میں آ جائے گی, اس کا بعد میں ڈبل ایج ہوگا. خلیل الرحمان قمر صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. سمیا آپا, آپ کا بہت شکریہ. عمر, آپ کا بہت شکریہ. میرے خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کمرشل سائٹ پہ سوچنے میں یا پروفٹ ایئرنگ کی طرف جانے میں, لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب آپ ایسے سبجیکٹس اٹھا رہے ہوں جس سے آگے کی جنریشنس کا کریکٹر ڈٹرمن ہوتا ہو, جس سے آگے کے خاندان کا اسٹیٹس ڈٹرمن ہوتا ہو, آپ کی جنریشنس نے ایک شکل لینی ہو, اس وقت ذرا کیئرفل ہو جائیں, بیکاز ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اگلی نسلوں کی, اپنی بیٹیوں کی, اپنی بہنوں کی, اپنے بھائیوں کی. ہم نے جب سے یہ تقسیم کی ہے نا, بھائی بہن, بیٹی بیٹا الگ الگ, تب سے یہ پرابلم شروع ہوئی ہے. اٹس آل اباؤٹ ہیومینٹی, ایکویلٹی خود ہی آ جاتی ہے. آئی ول سی یو نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.